गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज वीर का मैच है, दो लीग मैचेस है, तो मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन कोच के साथ गए बच्चे, तीन बच्चे। देखते हैं कैसा आज परफॉर्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मैच आई बिलीव दिवाली से एक दिन पहले है। लेट्स सी हाउ थिंग्स विल मूव एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑलरेडी वीर पहुंच चुका है ग्राउंड में और कोच सर का भी फोन आया कि उसने विराज ने ओपनिंग किया है। क्रिक होरोज में हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, वो ओपनिंग कर रहा है तो उसका फर्स्ट अंडर 12 में मैच है। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। बट ये है कि चलो बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई ऑल्सो थैंक्स टू कोच कि मतलब हम सब बिजी थे सारे पेरेंट्स, स्टिल ही हैज़ टेकन हिज ओन कार एंड टेकन ऑल द किड्स। सो थैंक यू ऑलविन सर फॉर इनकरेजिंग द किड्स। लेट्स सी दे नो लेट्स आई वुड नॉट से कि हाउ दे परफॉर्म, आई वुड से दैट कि Let them learn. This is the time when they can learn and flourish. ये देखिए नानू भी एकदम excited है, उसके पापा मम्मी भी पहुँचने वाले हैं, ऑलरेडी पहुँच चुके। एड्रेस बता दो। एड्रेस दिया है ना उसको? ना, बबलू हो गया पूरा कंफ्यूज आने के लिए कि कैसे आना क्या रहा। अभी जस्ट मैंने ड्राइवर से बात की तो आ रहे हैं, मम्मी जी इंतजार में पूरे अपने राजा बेटा के लिए, राजा बेटे के इंतजार में बैठी हुई है। तो देखिए क्या होता है आज। राजा बेटा तो तू है मेरा। राज कैमरा के सामने झूठ नहीं बोला, राजा बेटा है बबलू। तो राजा बेटा ये आ चुकी है गाड़ी उनकी, ये रही और गाड़ी यहीं रुक जाओ स्टॉप, और गाड़ी रुक गई है। और नानू भते रही है, नानू पूरा एक्साइटेड ही हो रहा है पूरा कतई, मतलब क्या बोले। सोनू सिंह भी आ रहा है ना साथ में, अभी सोनू सिंह कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। मम्मी ने वॉच पहनी। और ये गाड़ी से उतरते हुए रश्मि रावत, और ये पापा को फ्लोर भी पता नहीं होगी कि फ्लोर तो कौन सा है। अब तो नीचे रिसीव क्या हो रहा है, ये सोनू सिंह को लेके इतना एक्साइटेड। ये भगवान, ये उतर चुके हैं किशन सिंह रावत गाड़ी से, ब्लैक कलर, दोनों मियां बीवी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और क्या नाम, नानू का एक्साइटमेंट बढ़ते ही लेवल पे। और मैं आपको बता दूं, इसका एक्साइटमेंट अपने मम्मी पापा के लिए नहीं है, इसका एक्साइटमेंट किसी और चीज के लिए है। और ये घुस चुका है किशन सिंह रावत, रैम्बो एकदम बावला हो रहा है पूरी तरीके से, और पूरा सूंघ रहा है, पूरा सूंघ रहा है, पहचान रहा है कौन है क्या है तुमको। भैया तो टेम्पररी हो रखा है भाई, कोई बात नहीं। अरे सोनू सिंह का बोलो, सोनू सिंह, अरे यार अरे बताया नहीं सोनू सिंह का है। बबलू बबलू पसंद ही नहीं आया रैम्बो का, एकदम बिल्कुल रैम्बो एकदम पागलों की तरह घूमता हुआ। और ये देखो, ये देखो, ओहो अब बबलू बचा। हो गया हो गया, देखो इस इंसान को मम्मी पापा के लिए, देखो ये देखो सपना गिफ्ट लेने के लिए खड़ा हो गया। दिखाइए कैमरा के आगे, कैमरे के आगे दिखाओ क्या गिफ्ट है। ओ भाई साहब ये तो गन है, नर्फ की आती है ना ये गेम। ओ भाई साहब चेहरे पे मुस्कुराहट खतरनाक, अब वो एक्साइटेड है कि वीर के लिए क्या आया है। ओ भाई अनबॉक्सिंग भी हो गई है, और ये अनबॉक्सिंग में ओए होए ये विराज का गिफ्ट है। देखा पास में क्या क्या है, ये है विराज का गिफ्ट, उसका क्या गोली मारी रश्मि ने और खिड़की से बाहर। अब हमको ओ भाई साहब आदि के लिए आई है टी शर्ट, मजा आ गए बच्चों के खतरनाक। ये है बोर्ड जींस की, अच्छा अच्छा डिजाइन है भाई, किसकी चॉइस है ये ऐसे नहीं बोलो, चॉइस किसकी है बताओ किसकी है, है? तेरी है? तो चॉइस दुकान तो गई होगी, चॉइस अच्छी है भाई, जो भी है जिसने भी ली चॉइस अच्छी है। ये विराज की जरा ऐसे दिखाओ, अच्छा विराज की स्पोर्ट्स की है, टीम स्क्वाड, वेरी गुड। टिन्नी के भी आ गए मजे, दिखाइए दिखाइए, आज तो ब्लॉग फुल फ्लेज पूरा कंटेंट ही कंटेंट है मेरे पास, वाह। और ये आम के पत्ते नजर आ रहे हैं इसमें, आम ही है, फूल है, रोज है, फूल फूल, वाह क्या बात है क्या बात। और ये ताई के लिए आ गया है एक और गिफ्ट, कैडबरीज का चॉकलेट।
अच्छा दीदी ने देखा, ओ ये हमारी सिस्टर ने दिया है, ये सिस्टर ने दिया है हमारी, वाह वाह क्या बात है। ओ भाई साहब ये एक और गिफ्ट आ गया, क्या हो रहा है ये गिफ्ट की भरमार ही भरमार। वाह दीदी, ये भी दीदी ने दिया है हमारी हमारी प्यारी सिस्टर। विराज का जो है पहला मैच जो था वो हार चुके हैं, ज़्यादा रन तो नहीं बने, लेकिन सेकेंड मैच अभी हो चुका है, ऑलरेडी वो बॉलिंग कर चुके हैं, अब वो बैटिंग करें जिसमें उनको करीब करीब 102 रन के आसपास चाहिए टू विन इन 20 ओवर्स। मैच चल रहा है क्रिक हीरोज में हम देख रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। एक दिन में दो दो मैच, यानी कि 20 ओवर 80 ओवर्स टोटल बच्चे फील्ड पे थे। ऑब्वियसली बात है जब बैटिंग टाइम रहेगा उस टाइम पे वो ज़्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट 50 फिर भी अगर ऑन एवरेज अगर निकालेंगे तो 50 ओवर्स में कंटिन्यू धूप में खड़े रहना इट्स नॉट ईजी, एंड दैट टू दे आर अंडर 12। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच स्टेमिना, हाउ मच करेज दीज गाइज दीज किड्स आर हैविंग। ये देखिए हमारा क्रिकेटर आते ही लेट गया है, दो मिनट के लिए पूरा थक गया है। अभी इससे बाद में हम पूछेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा, वैसे हमें तो पता है परफॉर्मेंस, बट एक्सपीरियंस जरूर पूछेंगे। नानूस को गिफ्ट देते हुए वीर को, तूने तो सरप्राइज रखा था, ये कैसे तूने ऐसे दे दिया? अरे अगर मैंने कहा था भाई को कि किट रख देना। हाँ तो किट रखने देता तो उसको फिर उसके बाद सरप्राइज। ना ना वो बहुत थक गया था, दे दे उसको। वीर की नई टी शर्ट, गिफ्टेड टी शर्ट, क्या बात है, मतलब स्पोर्टी लुक आ गया, स्पोर्टी लुक। आप और चाचा ने लाल, मैंने क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट है, तुम दोनों ने लाल पहना है, तुम दोनों ने लाल पहना है, सर मम्मी थोड़ी अलग सी दिख रही, बाकी तो हम दोनों ने भी ब्लैक पहना है, क्या बात है, ये पूरा एकदम कॉम्बिनेशन बता दिया आज गजब है। तो तू भी पिंक, तेरी मम्मी भी पिंक, मैं रेड हूँ, तू रेड है, तो इसका मतलब तू ये कहना चाह रहा तू अपने मम्मी के जैसे नहीं है, हैं? तो अभी बोला ब्रदर बबलू का आज मोहन ब्रदर, भाई साहब सबसे सुबह से आए, भाई साहब बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, भाई मोहन ब्रदर है क्या आज, हैं? कम बोलते है। आज हमारे लंच डिनर में बन रहे आलू के परांठे, और किचन की हालत देख सकते हो एकदम खराब तरीके से बन रहे हैं, बट जब तक खराब तरीके से बने ना तब तक मजा नहीं आता, इसी का मजा है। ये खराब तरीके से नहीं, अब किचन छोटा पड़ गया, किचन छोटा पड़ गया है, ठीक है अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते किचन का भाई। पहले एक मेरा पता है, आज रश्मि भी लगी हुई है टीना के साथ में काम करने के लिए, क्या बात है, एकदम दो बहने, दो सितारे, क्या बात है। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग यहीं खत्म, ऑलरेडी रात हो चुकी है, 10:15 बज चुके हैं, खाना हम लोग खा चुके हैं, कल है धनतेरस, तो धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि आप मेरा व्लॉग देख रहे हो धनतेरस वाले दिन। सो आप सभी को भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, सारी खुशियां आपकी आपकी गोदोली में भर दे, और जित जो अच्छा कर सकते वो सब आपके लिए करें, यही मेरी आपसे दुआ है। एंजॉय कीजिए बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड जॉइनिंग चेन ऑफ लाइफ।